नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज लाइव। आइए देखते हैं आज की खास खबर। भाईंदर में अनैतिक संबंध के शक में प्रेमी ने प्रेमिका के गले पर कर दिया 8 इंच लंबा जख्म, पुलिस ने प्रेमी की कर ली गिरफ्तारी। भाईंदर पुलिस ने काशीमीरा के पैंकरपाड़ा परिसर में रहने वाले धनंजय नाम के युवक को गिरफ्तार किया है, जिसने आज सुबह भाईंदर के राई शिवनेरी में रहने वाली अपनी प्रेमिका पर जानलेवा हमला कर उसे बुरी तरह जख्मी कर दिया था। पुलिस की माने तो आरोपी को शक था कि उसकी प्रेमिका का किसी और युवक के साथ चक्कर चल रहा है। शक में अंधे हुए युवक ने आज सुबह केबल काटने वाले कटर से अपनी प्रेमिका के गले और हाथ में वार कर उसे बुरी तरह जख्मी कर दिया है। भाईंदर पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ IPC की धारा 307 के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। भाईंदर पुलिस की हिरासत में मौजूद आरोपी ने अपनी प्रेमिका के चरित्र पर शक कर उस पर जानलेवा हमला कर जान से मारने की कोशिश की। आरोपी पिछले 2 सालों से जख्मी विशाखा माछी के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा है और दोनों को एक बच्चा भी है। आज सुबह 7 बजे के करीब आरोपी ने केबल काटने वाले कटर की मदद से अपनी प्रेमिका पर वार करते हुए उसके गले पर 8 इंच और हाथ पर 5 इंच लंबा घाव कर दिया, जिसके चलते प्रेमिका बुरी तरह जख्मी हो गई। जख्मी विशाखा का इलाज स्थानीय अस्पताल में चल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सैफ न्यूज लाइव। 3:30 बजे राई गांव में शिवनेरी कॉलोनी में गली नंबर 13 इसमें रहने वाली जख्मी श्री विशाखा माची, इसके ऊपर उनका जो बॉयफ्रेंड था उसने केबल काटने का कटर से उसके गले पे और हाथ पे उसके चरित्र पे संशय लेकर के उसके ऊपर वार किया और उसको जान से मारने की कोशिश की। उसके कंप्लेंट से भाईंदर पुलिस स्टेशन में CR नंबर 93/2020 IPC 307 के तहत गुना दर्ज किया है और आरोपी को ताबे में लिया है। महिला कितने रूप में घायल है? महिला गंभीर रूप से घायल थी, उसका गले के ऊपर 8 इंच का घाव है और राइट हैंड के मनगट के ऊपर 5 इंच का घाव है। अभी उसकी तबीयत ठीक है। आरोपी उसका बॉयफ्रेंड है, उसका 2 साल से उनका लव इन रिलेशनशिप चल रहा था। उसी आरोपी से उसको एक बच्चा भी है और वो आरोपी पैंकरपाड़ा मीरा रोड पूर्व यहाँ का रहने वाला है। हमारे चैनल सेफ न्यूज़ लाइव पे